हाँ जी, आप पढ़ रहे हैं इलैक्ट्रीशियन के वरते जाने वाले जो ट्रेड टूल आ वो अगे कंटिन्यू करा जोड़ा ये आप हम टूल देख रहे हैं इसनों बोलते हैं जी आप लक्कड़ वाली आरी या वुडन सा। ये लक्कड़ वाली आरी होंगी लक्कड़ कट्टन के लिए वरती जाती है। इस आरी का ब्लेड आ जोड़ा वो वधिया स्टील का बनया हुआ होंगे। पेपर के हिसाब के नाल बहुत कीमती पॉइंट है ये। पेपर के पुछ लिया जाता भी जोड़ा आरी का ब्लेड आ तो वह किस धात का बनया हों स्टील का बनया हुआ होंगे है। पेपर के भी पुछ लिया जाता भी इसकी मोटाई किन्नी होंगी है तो इसकी मोटाई है जी अद्धा एम एम एक बटा दो एम एम तो एक एम एम तक होंगी है। एक इंच लगभग छे तो अठ दंदे होंगे इस इन दंद का झुका जोड़ा वो हैंडल दे वल हों गा जिमें आप देख ही रहे हैं दंद का झुका जोड़ा वो इस हैंडल वल हों गा। पेपर के कई बार पूछ लिया जाता गा ये तो इसकी मिनती है जी वो इस ब्लेड की लंबाई तो ली जाती है। जे पे आप देखिए भी जे इसकी लंबाई किनी आ तो इतों ब्लेड आ जोड़ा ब्लेड की लंबाई मापी जाती है। इस लंबाई के हिसाब के नाल इसका जोड़ा माप रखा जाता इस बिजली के कामों बै कम ले जाते हैं जिमें बैटन कट्टना बोर्ड बना मोटर के फ्रेम बना इसकी वरतों होर भी कई कामों के जाती है। इस प्रकार की जी आरी होंगी है कि इस जोड़ा अगे तो ब्लेड आ जोड़ा वह चौरस हुंदा ते उपरले पासे तो थोड़ा जा जिहड़ा मजबूत किया होया हुंदा गा नीचे वाले पासे दे नालों। इस दी लगभग लंबाई है जिहड़ी वह एक फुट जां आप 12 इंच कह सकते हैं कि इस तो घट नहीं रखी जाती। अच्छा चक हाँ जी, अगला टूल जिहड़ा आप देख रहे हैं इस ये हैगा हैक्सा। हैक्सा का मतलब आ लोहा कट्टन वाली आरी। इस दी लंबाई है जी 200 mm 250 mm या 300 mm रखी जाती है। ये आरियां जड़ियाँ लोहा कट्टन वाली ये दो प्रकार दी होंदिया एक होंदिया फैक्सड हैक्सा एक होंदा एडजस्टेबल हैक्सा। ये एडजस्टेबल हैक्सा होंदा जिहड़ा वो इत्थों थोड़ा जा अगे पिछे किया जा सकता जिमें ब्लेड आ जिहड़ा ब्लेड की लंबाई वध जां घट लैनी होवे तां उस दे हिसाब नाल ये एडजस्ट की जा सकदी है। ये एडजस्ट है एडजस्टेबल हैक्सा ते एक हुंदा गा फिक्स हैक्सा। ये एडजस्टेबल हैक्सा जिहड़ा आपां देख रहे हैं इस दी लंबाई आ पहलां भी देख चुके हैं भी इस दी लंबाई जिहड़ी 300 mm हो सकती है। ज़्यादातर जिहड़ा स्टैंडर्ड साइज वरत्या जाता ब्लेड का इस दे दा तां 300 mm रख्या जाता। जेकर एडजस्टेबल हैक्सा का ब्लेड आ लोड अनुसार किया जा सकता जिवें 200 mm तो 300 mm तक भी वरत्या जा सकता। इस दे भी 1 इंच दे विच 24 तो 30 दंदे हुंदे आ। इस दे मुख भाग हुंदे आ फ्रेम हैंडल ब्लेड ते फ्लाई नट। फ्रेम हो गया ये इसदा ब्लेड हो गया इसदा हैंडल हो गया इसदा फ्लाई नट। फ्लाई नट तो ब्लेड की जिहड़ी ब्लेड नूं टाइट किया जा सकता है। फ्रेम दे विच जिहड़ा फ्लाई नट है लग्या हुंदा इस दे नाल ब्लेड आ जिहड़ा वह कसया जा सकता है। इस दी वरतों जिहड़ी कंड्यूट पाइप नूं कट्टन दे लई जस्ती पाइप नूं कट्टन दे लई जां लोहे दीआं मोटीआं पत्तीआं चैन एंगलों जां चादरां नूं कट्टन दे लई कीती जांदी आ। उस तों बाद आपां देखदे हां इसकी सांभ संभाल आ जिहड़ी उह किवें कीती जांदी आ। इसकी सांभ संभाल आ फ्रेम दे विच ब्लेड आ जिहड़ा उह सिद्धा कसिया होना चाहीदा ते पूरा कसिया होना चाहीदा। नंबर 2 ते आरी चलाउण समें ब्लेड सिद्धा अते इक्को जिहे दबाअ दे नाल जिहड़ा चलाउणा चाहीदा। नंबर 3 बहुत ज़्यादा तेजी नाल कट्टण दा उपराला नहीं करना चाहिए क्योंकि इस दे नाल जिहड़ा ब्लेड आ उह टुट्टण दा खतरा बनिया रहिंदा। उस तों बाद कटिंग करदे समय ठंडा पानी जां कूलेंट की वरतों करनी चाहिए आ इस दे नाल हीट हो के जिहड़े इस दे दंदे आ उह ज़्यादा घसदे नहीं। उस तों बाद नंबर 5 ब्लेड नूं जंगाल लगण तों बचाउणा चाहिए है। हाँ जी, अगला जिहड़ा अपना टूल आ उह है जी इलैक्ट्रीशियन चाकू। बिजली का काम करने वाला चाकू कह सकते हैं जां इलैक्ट्रीशियन नाइफ बोलते हैं इसनों। ये बिजली के कामों के लिए विशेष प्रकार के उत्ते वरत्या जाता। इसका ब्लेड बहुत ज़्यादा तिखा हुंदा इस दे नाल तारां नूं आपां छिल सकते हैं तारां दी इंसुलेशन उतार सकते हैं केबलों की इंसुलेशन उतार सकते हैं तो इस दी जिहड़ी दूजे ब्लेड दे नालों ज़्यादा ताकत हुंदी है। इस दे नाल आपां जिमें कोई तार दे उत्ते कार्बन जम गई उसनों भी खुरच के साफ कर सकते हैं। इस ब्लेड आ जिहड़ा
इसका साइज है जोड़ा इस दे ब्लेड तो लिया जाता है, इस दे जिन्ने भी ब्लेड की लंबाई हो उस दे हिसाब नाल इसका साइज रखा जाता है। इस दी सांभ संभाल देखते हैं, जोड़ा इस चाकू नूं खुले चाकू वांग जेब जां थैले विच नहीं पाउणा चाहीदा, इस नूं हमेशा बंद करके ही इत्थों इह बंद हो सकता है, बंद करके ही जेब जां थैले दे विच इस नूं पाउणा चाहीदा है। इस नूं जंगाल तों भी बचाउणा चाहीदा ते इस नाल तारां कदे भी ना कट्टो। इस दे नाल सिर्फ इंसुलेशन उतारन जां कोई कार्बन वगैरह का काम लेना चाहीदा, इस तों तारां नहीं कट्टणियां चाहीदियां। तो ब्लेड हमेशा लोड अनुसार ही तिखा करो, इसनू ज़्यादा तिखा करन दी भी जरूरत नहीं हुंदी। हाँ जी, हाँ जी, अगला जिहड़ा अपना टूल है वह है चौरसी, जां इसनू फर्मर चीजल भी कह दिंदे आ। फर्मर चीजल की लंबाई जिहड़ी मतलब इहदा साइज रख्या जांदा वह 6 mm, 12 mm, 18 mm अते 25 mm। पेपर के हिसाब के नाल बहुत कीमती पॉइंट है, पेपर के पुछ लिया जाता भी इसका साइज़ की हुंदा, तो साइज हुंदा जी 6 mm, 12 mm, 18 mm अते 25 mm। यह जी लकड़ के काम लिए वरती जाती है, आम तौर पर ज़्यादा वरत्या जाने वाला यह औजार आ। इसका एक लकड़ का हैंडल लग्या हुंदा, तो इस दे हैंडल दे विच जिवें आप इस दे विच वेख रहे हैं, हैंडल तो नहीं लगाया होया, इस इत्थे हैंडल लगा सकते हैं आप। हैंडल दे अगे जो ब्लेड लग्या होया हुंदा लोहे का, इसनों आप बोलते हैं जी चौरसी। इसका साइज़ है जोड़ा इस जगह तो इतों तक मापिया जा सकता है, इस दे अकॉर्डिंग ही इस चौरसी की वरतों जी की जाती है। इसका ब्ले जोड़ा हैंडल आ रबड़ का या प्लास्टिक का या लकड़ का असी लगा सकते हैं। ब्ले जोड़ा यदा ब्लेड आ कास्ट सील का बनया हों, पेपर के हिसाब के नाल बहुत कीमती पॉइंट है, ये पेपर के पुछ लिया जाता भी जोड़ा यदा ब्लेड आ किस मटीरियल का बनया हुआ हों, तो वो आप उत्थे टिक करना गा क्लिक करना गा, कास्ट स्टील का यह बनया हुआ हों। इसका साइज चौरसी के मूँह तो लिया जाता, लंबाई इसकी इतों ली जाती है, जोड़ा साइज आ वो इस मूँह तो लिया जाता। इस इसकी चौड़ाई है जी 1.4 inch तो 2 inch तक होंगी है, ये 4 या 6 चौरसियों का सैट होंगे गा। इस जड़िया वाधू लकड़ छिलण के काम आ जां कोई होर लकड़ दे विच सुराख करन दे काम लई इह कीतियां जांदियां। बैरिंग करदे समय बैटन बोर्ड बक्से अते कट्टण दे काम आ जिहड़ी उह चौरसी लई जांदी आ। तां उस तों बाद आपां इसदी सांभ संभाल देखांगे। सब तो पहली सांभ संभाल दे विच पहला पॉइंट आ किल्लां लगी हुई लकड़ी उपर, इसदा जे किसी लकड़ उपर किल लगे हुए आ तो उस उपर इस तों काम नहीं लैना चाहीदा, तो इसका प्रयोग कदे भी ना करो। अगला पॉइंट, इसनों हमेशा आयल स्टोन उपर ही तिखी करना चाहिए है, जिमें एक स्पैशल इसमें तिखा करने के लिए जो अपना टूल आता उसके उपर ही इसमें तिखा करना चाहिए है। उस तो बाद पेचकस की तरह इसकी वरतों कदे भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस दे नाल जो इसका मूँह है वो खराब हो जाता है, तो अगे काम करने के लिए बहुत ज़्यादा वो फायदेमंद नहीं रहा, इस तो कदे भी पेचकस का काम जोड़ा वह नहीं लेना चाहिए। अगला पॉइंट, हैंडल तो बिना कदे भी इसकी वरतों नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस दे नाल ये किसी पासे तिलक सकती है, उस दे नाल दुर्घटना जिहड़ी वह हो सकती है। उस तो बाद हाँ जी, अगला अपना टूल है जिहड़ा वह है जिमलेट, इसनों बोलते हैं जी आप जिमलेट। ये 3 to 12 mm तक के साइज के वरत्या जाता गा। ये जिमलेट आ जिहड़ा घट मोटियां लकड़ां ते विच शेक करन दे लई जिहड़ा इसका काम लिया जाता गा। इस दे अगे जिहड़ा तिखे प्रकार दा आपां देख रहे हैं, ये लकड़ दे विच सुराख करन दे लई काम इस तों लिया जाता। इस दे उपर भी एक लकड़ दा हैंडल लगाया जाता, जो कि अगे जो जिवें चूड़ियां वांग अगे तो मूँह इसका बनाया जाता, तां कि यह पूरी तरह लकड़ दे विच जा सके। इस दे भी ब्यास तो इसका साइज़ लिया जाता, इस दे ब्यास दे अकॉर्डिंग ही इसका साइज़ लिया जाता है। उस तो बाद इसकी भी सांभ संभाल बारे आप देखांगे। इसनों भी मेखा लगियां वाली लकड़ ते नहीं वरतना चाहिए। नंबर 2, हैंडल पूरी तरह इसका फिट होना चाहिए है। नंबर 3, छेक पाउन समय बिल्कुल सीधा घुमाना चाहिए है, ना यह टेढ़ा जां इधर उधर नहीं घुमाना चाहिए, तां कि तां जो यह टुट ना सके। हाँ जी, हाँ जी, अगला जिहड़ा अपना टूल हैगा आपां देख रहे हैं यह है लकड़ का हथौड़ा, जां टैक्निकल लैंगुएज दे विच इसनूं कह दिंदे आ जी मैलट। मैलट आ जिहड़ा वो लकड़ का हथौड़े दे वांग ही हुंदा, ये पक्की लकड़ का बनाया जाता है।
ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧਾਤ ਦੀਆਂ ਹਲਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਰਤੋਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਕਵਰ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਾਈਜ਼ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਿਲੋ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਖਾਂ ਜਾਂ ਪੇਚ ਠੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੇਖ ਆ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਬ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਖ਼ਤ ਧਾਤਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਲਟ ਆ ਇਹ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਟੂਲ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਗੁਣੀਆ, ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਈ ਸਕੁਅਰ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਣੀਆ ਇਹ ਲੋਹੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੀਲ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਪਤਲੇ ਬਲੇਡ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਇਹ, ਵੀ ਜੋ ਗੁਣੀਏ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਈ ਸਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਲੇਡ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕਿਸ ਧਾਤ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਸਟ ਆਇਰਨ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਇੱਕ ਮੋਟੇ ਬਲੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਐਂਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਿਵਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਕੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੱਧਰਾ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਤਲਾ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਕੋਣ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਚ ਜਾਂ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ। ਇਸ ਦੇ ਬਲੇਡ ਢਿੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਦੋਨੋਂ ਬਲੇਡ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਕੋਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਢਿੱਲਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਕੋਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ ਕੱਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਥੌੜੇ ਵਾਂਗ ਜਾਂ ਪੇਚਕਸ ਵਾਂਗ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾਲ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਹੈਂਡ ਟੂਲ ਜੋ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕਸ।